रोहित भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वर्ल्ड कप T20 में मेरी जगह शेरयार अय्यर खेलेगा। यार ऐसा क्यों मेरे साथ बेइंसाफी हो रहा है? माना कि मैं T20 सीरीज में मेरे को साथ लेके गए, हर मैच में खिलाया तो किसी मैच में भी नहीं। अगर मैं खेलता फॉर्म बढ़िया ना होती फिर अय्यर को रखते, ऐसे कैसे यार? ये क्या है मेरे साथ ना इंसाफी तुम्हारे होते हुए? यार मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कुछ करो। हुड्डा के बच्चे चुप कर, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस पिच हैं, बाउंस को मैं बहुत बड़ी हिट लगा सकता हूं, इसके लिए अय्यर की जरूरत पड़ी है। अब अय्यर ही खेलेगा, तुम चुपचाप बैठो, बाहर बैठ के देख लेना, ठीक है ना? और ससुरी के अय्यर हम भी खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? क्या हम कभी खेले नहीं है? तुम T20 सीरीज में थे नहीं, अचानक साउथ अफ्रीका के खिलाफ आ गए, मैच तो खेल नहीं रहे हो, ऐसे कैसे तुम खेलोगे? उधर खामखा बेइज्जती करवाओगे, मुझे रख लो तो बढ़िया रहोगे। रोहित भैया कुछ सोचो, बोलो यार, तुम तो कुछ करते नहीं हो। हुड्डा ससुरी के मैं क्या करूं, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, खाली फोकट का मेरे को कप्तान बनाकर रखा है। ये ससुरी वाले पता नहीं किन किन प्लेयरों को कब ले आए, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हुड्डा के बच्चे तुझे ये खबर कहां से मिली? अभी तो ये कहीं भी न्यूज नहीं आई है, तुझे किसने बोल दिया है? हो सके तू रहे, हम तो स्टैंड बाय प्लेयरों में हैं, पता नहीं रखा जाता है या नहीं रखा जाता। तू तो 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है, काय को टेंशन ले रहा है? अय्यर हमको लग रहा है ये ऐसे ही करेंगे, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ आपको भी और रोहित शर्मा को भी कि हुड्डा की कदर कीजिए, हुड्डा से बढ़िया प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। ये अय्यर से मैं बढ़िया खेल सकता हूँ, सुन ले आप भी, मैं रहूँगा तो टीम इंडिया आगे जीतेगी, अगर आप आ गए ना टीम पहले राउंड से बाहर हो जाएगी, मैं वैसे भी फिर खुश होऊंगा क्योंकि मेरे साथ काय को बेइंसाफी हो रही है। ओ हुड्डा के बच्चे काय को फोकट में दिमाग खराब कर रहा है, अभी कोई भी पक्की न्यूज कन्फर्म नहीं हुई है, पहले ही शोर मचाना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अय्यर भी आ सकता है, दूसरे भी रिसेंटली प्लेयरों में है जिसमें दीपक चाहर है, मोहम्मद शमी है और रवि बिश्नोई है। अब सबको थोड़ी रखेंगे, तेरे को रखेंगे, तू बढ़िया खेलता, टेंशन मत ले यार, तेरे को नहीं रखेंगे, मैं भी टीम में नहीं खेलूंगा, वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, फिर तो खुश है। रोहित भैया क्यों ससुरी वाले को झूठे दलासे दे रहे हो? ये सचमुच नहीं खेलेगा, हम ही खेलेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े जो क्रिकेट के जानने वाले वो ये कह रहे हैं कि अय्यर आ जाएगा और ये हुड्डा जाएगा बाहर। वैसे भी कौन सा इसने तीर मारा है, छोटी मोटी टीमों के साथ खेला है, बड़ी टीमों के साथ इसको चांस ही नहीं दिया, अगर देता तो अब तक ये कब का टीम से बाहर हो जाना था। ससुरी वाला फोकट में उछल रहा है। अय्यर ससुरी के अपना मुंह बंद रख यार, जब तेरे को टीम में रख लिया जाएगा फिर बोल लेना, अभी से तू बोल रहा है वो मेरा दिमाग खराब करेगा। हुड्डा, अब हुड्डा का भी हक बनता है यार, मेरे बस की कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लोग तो कह रहे हैं दीपक चेर भी आएगा, लेकिन कान खोल के सुन लो, ये चार प्लेयर हैं स्टैंड बाय प्लेयरों में आ रहे हैं, पता नहीं अब किसको रखा जाता है किसको नहीं रखा जाता है, फोकट में दिमाग मत खराब करो। रोहित भैया फिर भी ख्याल करना, ये आए तो किसी और की जगह आए, मेरी जगह ना आए। बड़े बड़े जो क्रिकेट के एक्सपर्ट मैन है वो कह रहे हैं कि भैया हुड्डा चले जाएगा, अय्यर आ जाएगा। यार हुड्डा वो सही कह रहे हैं, हम ही आएंगे, कप्तान रोहित खाली आपको फोकट में चूना लगा रहा है, कहीं तू पहले लड़ाई करके उसको ना मारे। वैसे भी छोड़ कप्तान का पीछे, तू इंडिया में इधर ही रुकना, ठीक है? वैसे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ तू T20 सीरीज में भी नहीं है, चुपचाप बैठा रहे। और हमको साउथ अफ्रीका के खिलाफ रखा गया है, इधर से तेरे को समझ नहीं आ रही है? अभी हम पहला मैच नहीं खेले, दूसरा तीसरा मैच खेलेंगे, शतक लगाएंगे, फिर हमारी जगह पक्की, तू इधर ही रुकना, ठीक है ना? अय्यर ससुरी के तू नहीं सुधरेगा, अब मैं देखता हूँ तू कैसे जगह बनाता, मैं तेरे को दूसरा और तीसरा T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाऊंगा नहीं, देख लेना, अनफिट करके तेरे को बाहर बिठाऊंगा, मैं बोलूंगा ये खेलने के अभी लायक नहीं और वर्ल्ड कप तेरे को नहीं लेके जाएंगे। दिमाग खराब कर रहा है यार, समझता ही नहीं है खामखा। भाइयों ये केवल फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।